सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी जंग हो गई। दोनों पक्षों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। इस खूनी जंग में एक शख्स को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पूरा मामला रामनगर गढ़वा का है। यहां दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया था। अराजक तत्वों ने इस दौरान मोटरसाइकिल फूंक दिया, साथ ही जेसीबी और एक दुकान को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर जबरदस्त तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये एक पेशेंट है मोहम्मद इरफान, ढकवा का रहने वाला है। ये अभी हमारे पास सुबह 9:15 के करीब आया है। इसके साथ मारपीट हुई है, काफ़ी जगह पर इसकी चोट आई है। हाथ पैरों में इसके फ्रैक्चर है और यहाँ से इलाज करके इसको थोड़ा गंभीर चोटें सर में भी है। इसको आगे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। परसों हमारे चाचा के दरवाजे पे ये लोग गाड़ी साफ करते हैं, आए दिन गाड़ी वहाँ पे कचड़ा करते हैं, तो हमारे चाचा ने उनको मना किया कि यहाँ पे गाड़ी मत धुलिए, आने जाने में दिक्कत होती है। तो उनको दो लोग तीन लोग मिल के मारे हैं। मारने के बाद परसों हमने FIR जब किया वहाँ जाके, तो वहाँ पे उनको ऐसा किया गया कि चलो सुलह कर दिया जाए, लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, आपस में मिलकर रहना है वहाँ पे। उसके बाद आज सुबह चाचा हमारे दुकान खोले, दुकान साफ कर रहे थे, तो ये चार तीन चार लोग गोलू और ये उनके मामा इलाहाबाद का अपराधी है, वो उसको यहाँ पे लेके रखे हैं अपने यहाँ। उसके बाद गोलू संदीप है, गोलू है, लोग मिल के चट्टा को मारे हैं, राड से मारे हैं, दोनों पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, अधमरा करके मरा हुआ छोड़ के वो लोग भाग गए हमें चट्टा को। राहुल सिंह उनके आदमी पूरे थे वहाँ पे। जब लोग वहाँ की चट्टा घुमाए तो गुस्सा हो गए, क्या करें, वही लोग फूक के चले गए, फाड़ फूड के हम लोग तो इनको लेके यहाँ चले गए।